हेलो एवरीवन, दिल से स्वागत है निश मिस वर्ल्ड पेन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये एक क्लिपिंग कारकड़ा का मेरे साथ मिस हुआ था, तो मैंने सोचा इस व्लॉग पे अपलोड करूं। तो यहाँ पे हम लोग समराधन के लिए जा रहे हैं। समराधन इन द सेंस प्रसादम होता है भगवान का, सो इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे ना, तो ये ऑलमोस्ट 365 डेज में 340 डेज तो यहाँ पे डिनर होता ही है, समराधन होता ही है। तो हम लोग बहुत रेयरली जाते थे। हालांकि मम्मी कभी कभी जाती थी, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी। ये होता है ना गाइस, जब हमको इजीली चीज़ें अवेलेबल होती है ना, तब हमको वो यूटिलाइज़ करना नहीं होता है। अगर हाँ वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, हम लोग इतना मिस करने लगते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी भी मैं इस चीज़ के लिए रिग्रेट करती हूँ कि यार सच में जब छोटी थी इसका यूटिलाइज़ करती तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये प्रसादम जो है बहुत ही अच्छा, एक नमून यूनिक टेस्ट होता है। हालांकि ये कोंकणी डेलिकेसी का ही है, पर इसका जो टेस्ट है ना, हम लोग कितना भी ट्राई करें घर पे नहीं मिल सकता। एंड हाँ, यहाँ पे एक फिक्स रूल होता है कि GSB कोंकणी जो मेंस होते हैं ना, जेंट्स लोग, उन लोगों को शर्ट निकाल के बैठना पड़ता है। जो सीक्रेट थ्रेड है वो डालना ज़रूरी होता है। एंड यस, ये जो पिकल है ना, स्टार्टिंग में जो परोसते हैं, इतना टेस्टी। हालांकि मैं पिकल का बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मुझे उतना पिकल पसंद है, लेकिन ये पर्टिकुलर पिकल का इतना अच्छा टेस्ट होता है ना, मैंने रेसिपी तो आप लोगों से शेयर किया है, लगभग सेम टेस्ट देता है। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरे फैमिली मेम्बर्स को मम्मी से बनाए हुए ये पिकल बहुत अच्छा फेमस है, एंड वो लोग लेके भी जाते हैं। जो मैंने आप लोगों से टेम्पल रेसिपी, पिकल रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड करूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड थोड़ा सा है ना वो एंजॉय कर सकते हो। एंड ये था पम्पकिन करी जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया था, वो भी बहुत अच्छा टेस्टी था। एंड सबसे फेमस होता है करकड़ा का दाट दाली तोय, जो दाल होता है ना वो बहुत ही फेमस होता है। एंड इतना यूनिक टेस्ट होता है ना, आहा क्या बोलूँ। ओके, तो इसके बाद है ना, एक्चुअली जब हम लोग मस्कत रिटर्न आए थे, तो थोड़ा सा हमको शॉपिंग करना था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यूजुअली हम लोग दो तीन जगह पे जाते हैं, हमको पता है कहाँ पे क्या सस्ता थोड़ा सा है ना और पॉकेट फ्रेंडली मिलता है, तो उसके हिसाब से हम लोग शॉपिंग करते हैं। एंड तो इसके बाद हम लोग जाने वाले थे मूवी देखने। काफ़ी सारे मूवीज़ जो भी रिलीज़ होते हैं ना, तो हमको जो देखना होता है हम लोग फटक से बुक करके जाते हैं। एंड यस, आज है ना मैं ऑर्गेनाइजिंग टिप्स, स्मार्टली आप लोग कैसे कर सकते हो, हालांकि बहुत लोगों को ये पता होगा, पर मैं है ना बहुत प्री प्लान करके ये सब चीज़ें करती हूँ, ताकि थकान भी ना हो जाए, साथ ही साथ मेरा काम भी आसानी से एंड अप हो जाए। ओके, तो सबसे पहला होता है कि तय करके रखना, लाइक फोल्ड करके रखना कपड़े को। ये बहुत ही थोड़ा सा चिड़चिड़ काम होता है। आई नो मेनी ऑफ द हाउस होल्ड्स डजंट लाइक दिस थिंग, बट मुझे बताऊँ तो कपड़े सुखाने से ये थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। हालांकि बैठने तक मुझे है ना एकदम से मन नहीं करता है, जब मैं बैठ जाती हूँ तो एकदम पूरा क्लीन करके, जो चीज़ें कपड़े फोल्ड के लिए जाता है, जो इस्त्री के लिए जाता है, प्रेस के लिए जाता है, वो सब सेपरेट करके रखना, एंड अपना अपना कपड़ा जगह पर रखना, उसी टाइम में कर लेती हूँ। ओके, तो मेरा लगभग काम ख़त्म हो ही गया है। प्रीतेश जी रिसेंटली इंडिया गए थे, तो आते ही मेरे मम्मी ने है ना इंडिया से थोड़ा सा पार्सल भेजा था, तो ब्रेड फ्रूट भेजा था, इसका ही मैं थोड़ा सा मैं बचा के रखती हूँ। मुझे है ना ये थोड़ा ग्राम फ्लोर का जो फोड़ी टाइप बनाते हैं ना पकौड़ा, वो मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने ये बना रही हूँ। एंड यहाँ पे ये पत्रोडे बनाया है, मुझे इस तरह का पसंद है, थोड़ा रोस्ट करके, बस वो मस्टर्ड सीड्स और मेथी का तड़का देती हूँ, फिर हल्के आँच पे उसे रोस्ट करती हूँ। ये एक्चुअली मुंबई से लेके आए थे लीव्स, और यहाँ पे दाल है, फिर ये है ना
गांव पे इसे नम्मा मोरे बोलते हैं। इसका मैंने एक स्पाइसी करी टाइप बनाया था, बहुत अच्छा लगा था प्रीतेश जी और संप्रता को, पोटैटो डाल के और थोड़ा सा जर्किन्स पिलाए थे और उसका पोटैटो डाल के एक नॉर्मल सब्जी बनाई थी, वो मेरे घर पे बहुत पसंद किया जाता है। एंड ये पम्पकिन है, एक्चुअली ये मेरे मम्मी ने भेजा था इंडिया से पार्सल में, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो इसका एक आधा पीस बचा के रखा था तो उसका मैंने सब्जी कर लिया। तो ये है कुछ लंच का सीन, अभी थोड़ी देर में लंच करेंगे। ओके, जब भी मुझे एक्स्ट्रा काम होता है ना तो मैं लंच का काम एकदम से सिंपल करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं तेल रखने का जो बॉक्स है एकदम से चिकना हो गया था, तो यही मैं साफ़ करके है ना इस पे मैं बेकिंग पेपर जो है वो मैं लाइन कर रही हूँ। तो बाद में मैं सब चीज़ों को अच्छे से पोंछ के फिर मैं वापस जगह पे रखती हूँ। तो इस तरह का जब भी आपको एक्स्ट्रा काम होता है, रिफ़िल करने का जॉब होता है या फिर कुछ भी इस तरह का एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी है ना, तब आपको थोड़ा सा लंच का सीन थोड़ा सा अगर आप सिंपल टाइप करोगे ना तो आसानी से ये आप आराम से कर सकते हैं। एंड हाँ, बहुत सारे हाउस होल्ड्स को ये पता होगा पर जो भी किचन में नए हैं तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं। एंड यस, ये तो हमेशा क्लीन होता ही है, डेली जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ उससे पहले जो भी सेंटर टेबल है, जो डिनर टेबल डाइनिंग टेबल बोलते हैं, वो जो भी चीज़ें इस तरह का है ना पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। सोफ़ा भी अच्छे से मैं झाड़ती हूँ, फिर उसका जो भी डस्ट वगैरह है वो निकाल के फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ ताकि एकदम से क्लीन हो जाए एंड हॉल जो है अच्छा दिखने लगे। एंड जैसे मैंने पहले बोला, मेरा काफ़ी कंटेनर्स है ना ख़त्म हो गया था तो उसमें रिफ़िल करना था एंड थोड़ा बहुत क्लीनिंग एंड जो भी मेरे पैंट्री था वो मुझे चेक भी करना था, तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग भी है। एंड जो भी कॉफ़ी में मिला गया कंटेनर्स है ना, ग्लास कंटेनर्स, वो मैं अच्छे से धो के उसी में स्टोर करती हूँ, वो मैं फेंकती नहीं हूँ। एंड ये उड़द दाल है ना, तड़का के लिए मैं अलग सा सेपरेट मेंटेन करती हूँ क्योंकि कोंकणी डिशेस में काफ़ी उड़द दाल की ज़रूरत होती है। जब भी हम लोग सुखा बनाते हैं या फिर इस तरह का उपमा के लिए, तो साउथ इंडियन डिशेस में काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ तो इसके लिए उड़द दाल की तड़का की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ। कांच की बॉटल में अगर आप ये सब स्टोर करते हो ना तो ना ही कीड़ा आएगा आपके स्पाइसेस में, ना ही वो ख़राब होगा। कितने भी सेफली आप काम करो पर थोड़ा सा गिरना विरना तो चलता ही है, तो मैं उसी टाइम उसको क्लीन भी कर देती हूँ ताकि मुझे है ना, आई डोंट नो वेदर आई एम ऑब्सेस्ड विद क्लीनिंग और समथिंग लाइक दैट, पर मुझे जब भी मैं काम करती हूँ ना, मुझे हर टाइम जो स्पेस होता है काम करने का काउंटर टॉप, वो मुझे क्लीन चाहिए होता है। एंड इस तरीके से जो बचा हुआ मेथी दाना है ना मैं पैंट्री बॉक्स में रखती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकूँ। सुबह के लिए संप्रिता के टिफ़िन के लिए और हमारे लिए बनाया था मैंने पूरी छोले। छोले का रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी, वो मैंने थोड़ा सा झटपट टाइम बनाया था। एंड अभी प्रीतेश जी के लिए भी मैं लंच बॉक्स देती हूँ एंड संप्रिता के लिए मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बॉक्स भी देती हूँ। सो अभी मैं ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी अपलोड करने को, क्योंकि दोनों का जब मैं टिफ़िन पैक करती हूँ ना एकदम से मुझे फुर्सत नहीं होता है यहाँ उधर वहाँ देखना, क्योंकि अभी प्रीतेश जी का भी ऑफिस टाइमिंग्स थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उसी के हिसाब से मुझे सब चीज़ें करनी होती है, क्योंकि खाने ब्रेकफास्ट के लिए एक बनाना होता है, फिर दोपहर के लिए दूसरा डब्बा देना होता है, संप्रिता के लिए दूसरा बनाना होता है, तो इस तरह का चीज़ें चलती है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को लंच बॉक्स आइडियाज़ और ब्रेकफास्ट आइडियाज़ लेके आऊँ। एंड जब भी चपाती फुलका टाइप बनाते हो ना तो गैस खराब, लाइक गैस तो गंदा होता ही है, वो भी मैं साथ ही साथ क्लीन करती हूँ।
एंड हाँ, कुछ चीज़ें हैं ना मैं एक्चुअली फ्रिज पे स्टोर करती हूँ, लाइक थिन पोहा, ये ज़्यादा मेरे घर पे यूटिलाइज़ नहीं होता है। राजमा भी मैं राजमा को एक्चुअली पैंट्री में रखती थी, पर मैंने देखा कि थोड़ा कीड़ा आता है क्योंकि ये मेरे घर पे थोड़ा कम ही बनता है, तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ ना तो इस तरह से बास्केट में स्टोर करके रखती हूँ। ओके, तो जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इस तरह से निकाल के इसे रिफ़िल करके फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो ये एक्चुअली चित्रा राजमा है, बहुत जल्दी पक जाती है एंड इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा होता है, किडनी बीन से भी अच्छा होता है। ये उसका दूसरा वेरिएंट है जो आप ऊपर देख रहे हो, ये उसका दूसरा वेरिएंट है, ये भी अच्छे से कुक हो जाता है। ओके, तो जैसे मैंने बोला पूरी छोले बनाया था तो छोले बच गया था, उसी को मैं दूसरे डब्बे में डाल के इसी को मैं फ्रिज करूँगी ताकि मैं रात के लिए इसे फुलका बना सकूँ। एंड हाँ, जब भी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती है ना, एक्स्ट्रा काम रहता है, तब मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर का खाना नाइट का खाना मैं आराम से इजी ऑफ में वे में कर सकूँ, मुझे ज़्यादा बनाना ना पड़े। ओके, तो ये संप्रीता का रूम है, इसको मैंने भी डीप क्लीन किया था एंड ये भी क्लीन हो चुका है। एंड इधर तक ही था मेरे आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दिखाई गई चीज़ें आपको अच्छी लगी, कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ ऐसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।